Welcome to DEZ Engineering channel here. You will find video related to product and graphics design. Also video tutorials for the above listed domains. Also there is free project files, watch complete. Hello all, this is Sandeep Mandal from DEZ Engineering and today we will be discussing about conjugate heat transfer analysis. So कॉन्जुगेट हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में फॉलो किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में एनालाइज़ किया जाता है। जैसे हम अगर गूगल करें तो हीट एक्सचेंजर में इसका एप्लीकेशन होता है। कॉन्जुगेट हीट बेसिक क्या होता है, इसका मतलब अगर एक सॉलिड हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और सॉलिड बॉडी के अंदर, जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक हो सकती है, उस फ्लूइड की जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे बॉडी में। ट्रांसफरिंग ऑफ वन हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर सॉलिड बॉडी, इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट हीट ट्रांसफ़र। और इसके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं। तो यहाँ पे जैसे हीट एक्सचेंजर हो गया, तो जनरली पावर प्लांट्स में स्टीम्स को अलग अलग प्रोसेसिंग में लिया जाता है। टर्बाइंस में एक बार स्टीम अपना वर्क डन हो गया, उसका स्टीम ने अपना काम कर दिया, तो जो ड्रेन्ड स्टीम है उससे वाटर पेपर जो आते हैं वो कूलिंग टावर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कूलिंग टावर में ट्रांसफ़र करते हैं मल्टीपल पाइपलाइंस के साथ, बट वो फिर भी हॉट वाटर वेपर रहता है, आपस में मिक्स होता है। तो ये जो पाइपलाइन है, जिस टाइप की पावर प्लांट की पाइपलाइंस होती हैं, इसमें बाहर से हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए मैक्सिमम, वो हमको चेक करने के लिए कॉन्जुगेट हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस हम करते हैं। तो बेसिकली मैं यही एग्जांपल लूँगा, मैं एक पाइप स्ट्रक्चर लूँगा अलग अलग इनलेट के साथ, और हम उसकी उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कराएंगे एक डिफरेंट टेम्परेचर 700 डिग्री केल्विन अप्रॉक्सीमेट। हम देखेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हम बात करेंगे, रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि वेलोसिटी की बढ़ने की वजह से क्या होता है, बाकी वो सब। सो लेट्स डिग इन टू एंसिस। तो एंसिस में सबसे पहले आपको आना है, फ्लूइड फ्लो फ्लूइड को यहाँ पे ड्रैग करना है, ज्योमेट्री में राइट क्लिक करके स्पेस क्लेम को ओपन कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। स्पेस क्लेम को ओपन कर लेने के बाद हमने जो सॉलिड बॉडी बनाई हुई है वो यहाँ इम्पोर्ट कर देंगे हम। बॉडी इंपोर्ट होने के बाद हम उसकी प्री प्रोसेसिंग करेंगे। प्री प्रोसेसिंग मीन्स उसमें कोई एरर्स हैं नहीं, उसमें एक्स्ट्रा एजेस हैं और उसमें डुप्लिकेटेड एजेस हैं या नहीं हैं, ये सब ये सारी बातें। तो हम जाते हैं इस बॉडी को चेक कर लेते हैं एक बार। ये बॉडी है हमारी। तो अब तक हमने जो फ्लो एनालिसिस की थी उसमें हमने फ्लूइड वॉल्यूम ही लिया था। अब यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम भी कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर की सॉलिड बॉडी भी कंसिडर करेंगे। यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे इसको एल्यूमिनियम कंसिडर करूँगा। फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर हॉट टेम्परेचर का एयर फ्लो होगा अलग अलग इनलेट से। तो यहाँ पे ये चार इनलेट्स हैं, यहाँ पे ये एक आउटलेट है। तो हम रिपेयर में जाके एक बार देख लेते हैं, एक्स्ट्रा एजेस नहीं है इसमें, डुप्लीकेट्स भी नहीं है और स्पेसिस की ज़रूरत है नहीं। प्रिपेयर में जाके, वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट में जाके, यहाँ हेड सिलेक्शन टूल में जाके हम इसकी वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ कंट्रोल प्रेस करने की नीड नहीं है, ओके करके वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम इसको रीनेम कर लेंगे, वॉल्यूम जो है इसको हम कर लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम। और यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं सॉलिड बॉडी। इन दोनों को हम एक नई कंपोनेंट में डाल देंगे। फ्लूइड वॉल्यूम को राइट क्लिक करके मूव टू न्यू कंपोनेंट, जिसका नाम होगा फ्लूइड, और सॉलिड बॉडी को भी एक न्यू कंपोनेंट में डाल देंगे, उसका सॉलिड्स। ना यहाँ पे मेश को, जो मेश होगी यहाँ पे, हम दोनों को इंटरेक्ट कराना चाहते हैं तो हमको मेश भी उसी तरह से बनानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर जो एंड नोड ख़त्म होता है वहीं से आउटर बॉडी का जो नोड एज है वो शुरू होना चाहिए,
तो उन दोनों की मेज की टोपोलॉजी मैच करती रहनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, तभी कंजुगेट हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस पॉसिबल हो पाएगा। तो उसके लिए हमको जाना है वर्कबेंच में और शेयर टोपोलॉजी। तो शेयर जब करेंगे तो ये इंटरनल एज, जो इंटरनल सरफेस है फ्लूइड वॉल्यूम की और आउटर बॉडी की, देखो वो हाईलाइट हो गई है, इसका मतलब ये दोनों अब शेयर कर लेंगे एज को। तो हमने शेयर कर दिया एज, तो यहाँ पे ये पिंक लाइन आने का मतलब है ये शेयर हो गई है। तो हम इसको सेव कर लेंगे। केस वन सेव। सेव होने के बाद हम इसे बंद कर लेंगे। बंद हो जाए फिर हम मैश प्रिपेयर करेंगे इसकी। मैशिंग मॉड्यूल को डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटली बॉडी इंपोर्ट हो गई है। इंपोर्ट होने के बाद हम सबसे पहले मैश बेसलाइन मैश क्रिएट करने से पहले हमको दो चीज़ें करनी है, या तो यहाँ पे इन्फ्लेशन लेयर से भी ऐड करनी है, एक नया मैश का मेथड मैशिंग मेथड है, और सबसे पहले नेम सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे फेस सिलेक्शन टूल में ये कंट्रोल सेलेक्ट करके ये तो सारे इनलेट्स हैं, तो हम एन टाइप करेंगे, इनलेट लिख देंगे इनलेट, देन इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आउटलेट एन आउटलेट। अब ये जो ऊपर की सरफेस है यहाँ पे जिस भी पोर्शन में इसका कन्वेक्शन, जहाँ भी ये लगता है जिसका एप्लीकेशन है, उसमें एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से एयर फ्लो हो रही होगी, अगर एयर कूल सिस्टम है ये, तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये पता होगा कि आउटर में कितना कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, 20 वाट पर मीटर केल्विन, 30 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, एक प्रैक्टिकल केस में पावर प्लांट में 20 होता है एयर कूल्ड सिस्टम के लिए। जनरली ये एक और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो एग्जॉस्ट पोर्ट का, यहाँ पे एग्जॉस्ट के चार सिलेंडर से भी, मतलब जो हॉट एयर बाहर निकल रही है उसका एनालिसिस इसी तरह से किया जा सकता है। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, सारी सरफेस सिलेक्ट करके उसको नेम सिलेक्शन देंगे, कन्वेक्टिव सरफेस। नाउ हमको इन्फ्लेशन लेयर भी क्रिएट करना है, तो ये फ्लूइड वॉल्यूम के बाहर की भी, बाहर वाले को भी हमको करना पड़ेगा। बाहर की बॉडी को सिलेक्ट करके इसको कर देंगे हाइड। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम ये सरफेसेस एंड इसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन लेयर्स। यहाँ पे हमने नेम सिलेक्शन क्रिएट कर लिया है, शो ऑल बॉडीज कर देंगे। यहाँ पे मैश पे जाएंगे हम, हमारी एलिमेंट साइज ये है, इन्फ्लेशन लेयर पे जाएंगे हम, इसमें हम आएंगे प्रोग्राम कंट्रोल पे, मैंने एक बेसलाइन मैश क्रिएट करके देखी, हमने ये गलत किया हुआ था। यहाँ पे हमको जाना है प्रोग्राम कंट्रोल में, नहीं ऑल फेस नेम सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा इन्फ्लेशन लेयर की सरफेस को, फिर हम नंबर ऑफ ट्रांजिशन रेशियो फायर रखेंगे, नंबर ऑफ लेयर्स जो रखेंगे हम वो भी 5 है, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ रेट 1.2 का है। तो अब हम इसको बेसलाइन मैश को जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें आनी चाहिए वो मैश दिखेगी, यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ तो ये देखिए, ये इस तरह से मैश आ गई यहाँ पे 5 लेयर। तो अब जब शेयर टोपोलॉजी हो रही है मैश की, तो यहीं जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से भी स्टार्ट हो रहा है सॉलिड बॉडी की मैश। ये होती है शेयर टोपोलॉजी की मीनिंग मैशिंग में। तो ये मैश लगभग ठीक है, हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम नेम सिलेक्शन क्रिएट कर लिया, मैशिंग भी हो गई। अब फ्लूइड फ्लूइंट में जाके इसके एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ अपडेट कर देंगे,
अपडेट होने के बाद हम यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे हम लेंगे डबल प्रिसीजन, 4 कोर यूज़ करना है हमें, स्टार्ट कर देंगे। सो ग्राफिक्स देख के लग रहा है ये इनलेट्स हैं, ये आउटलेट्स हैं, ठीक से इंपोर्ट हो गई है। यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे फिजिक्स में, एनर्जी इक्वेशन को ऑन करेंगे, विस्कस मॉडल को ओपन करेंगे। विस्कस में हमें के एप्सिलॉन यूज़ करना है, स्टैंडर्ड यूज़ करना है अभी के लिए, स्टैंडर्ड कैंसिल। वो होने के बाद हमको जाना है मटेरियल पे, तो मटेरियल में एयर रख रहा हूँ और सॉलिड के लिए मैं एल्यूमिनियम रख रहा हूँ, तो अभी चेंज नहीं करेंगे, बट हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन कंडीशन। जाएंगे फिर सेल बाउंड्रीज में, यहाँ पे हम देखेंगे इनलेट, इनलेट को वेलोसिटी इनलेट देके हम लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी हम दे देते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। एक काम करते हैं, इसे 10 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 700 केल्विन एंड अप्लाई। तो सारे इनलेट्स में वही अप्लाई हो गई है। आउटलेट में गेज प्रेशर 0 रहता है, जो हम बेसिक एनालिसिस किए हैं वही वाला। अब यहाँ पे जो हमने कन्वेक्टिव सरफेस लिया था, ये आउटर सरफेस, इसको हम वॉल लेना है, एडिट करना है। यहाँ पे ये जनरली जो फंक्शंस लेके चलेगा वो हीट फ्लक्स लेके चलेगा, बट हमें यहाँ पे कन्वेक्शन में जाके ये जो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है, हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट मतलब बाहर जो एयर एटमॉस्फेरिक में फ्लो हो रही है वो कितना हीट ट्रांसफ़र कर लेगी, कितना कूल कर पाएगी, उसकी रेट क्या है हीट ट्रांसफ़र का। तो वहाँ पे मैं 20 दे रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल डेटा है, पेपर से लिया हुआ है। अलग अलग कंडीशन में आपको मिलेगी ये वैल्यूज़, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन में पाया जाता है कि अलग अलग एप्लीकेशन में क्या होनी चाहिए एयर की वैल्यू। सपोज़ अगर एक फिन की करना है, फिन एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, तो अगर एक वेलोसिटी में एयर फ्लो हो रही है तो उसकी वैल्यू का डेटा मिल सकता है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन किया भी जाए तो ये निकाला भी जा सकता है। तो क्लोज, अप्लाई एंड क्लोज, बस सेटअप हो गया है। हम बाकी प्री प्रोसेसिंग पे जाएंगे। अब हम पहले हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन कर देंगे इसका। इनिशियलाइजेशन हो जाने के बाद रिजल्ट्स में जाके मैं एक काम करूँगा, मैं कॉन्टूर क्रिएट करूँगा इस एरिया का, ले लेते हैं कॉन्टूर ऐसे। इसमें मैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता हूँ, टोटल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए किस सरफेस में, सारी सरफेस में। यूज़ एक्टिव, यहाँ पे टेम्प कर देते हैं, सेव एंड डिस्प्ले एंड क्लोज। फिर मैं एक काम करता हूँ, बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। सॉल्यूशन में जाके, यहाँ ऑटो सेव में जाके, एक ईच इटरेशन सेव करेगा, क्रिएट सॉल्यूशन एनिमेशन। तो यहाँ टेम्प पे, एनिमेशन पे, यूज एक्टिव, ओके। यहाँ हम इटरेशन दे देंगे 400 और कैलकुलेट। सो कैलकुलेशन अब कंप्लीट हो गए हैं, तो हम स्केल रेसिड्यूल्स पे चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे आके कॉन्स्टेंट हो गई है 250 के बाद, ठीक है, सॉल्यूशन कॉन्वर्ज हो गया है। यहाँ पे देखने वाला एक ये बात है कि जब मैंने इसको 700 दिया, अंदर 700 का है फ्लूइड, ऊपर ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 5600 तक ही ऊपर तक आया, हीट अप हुआ है, बट यहाँ पे ज़्यादा हो गया है ना। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी सबसे है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया हीट। वो क्यों हुआ वो हम CFX पोस्ट में एनालाइज करेंगे, पहले इसका एनिमेशन एक बार चेक कर लेते हैं। इसको क्लोज करके हम CFX पोस्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करना है रिजल्ट्स पे, CFX पोस्ट स्टार्ट होने का हो जाएगा, कुछ इस तरह से ओपन होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन कन्वेक्टिव सरफेस ले लेते हैं, कन्वेक्टिव सरफेस पे जाके इसको वे, इसको इसका ये कर देते हैं। तो
टेम्परेचर यहाँ पे जाके हमको जाना है अपीयरेंस पे, फिक्स्ड वैल्यू करनी है, 2 करना है, ओके 598, ओके यहाँ बढ़ गया है टेम्परेचर कुछ, इस पॉइंट पे बढ़ गया है। तो अगर हम वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन देखते हैं पहले, फ्रॉम इनलेट अप्लाई, सो वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि ड्यू टू द मास कंजर्वेशन फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने 3 इनलेट में अपना एयर फ्लो कराया और यहाँ पे एक ही आउटलेट है, तो मास कंजर्वेशन के थ्रू यहाँ वेलोसिटी एयर की बढ़ेगी ही। तो अप्रॉक्सीमेट आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर देखें हम तो 34 मीटर पर सेकेंड हो गई अप्रॉक्सीमेट, इसी रेंज में है। हम पॉइंट करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक रीच हो गई है यहाँ पे। तो मेन बात यह है यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र क्यों हो गया सॉलिड में, यहाँ पे होना चाहिए था जबकि हमने यहाँ पे हाई टेम्परेचर हीट दिया था, वो इसीलिए क्योंकि कम हुआ। यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है और यहाँ पे भी सब जगह 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्टिव में जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा, जो टर्बुलेंस वेलोसिटी होगी, टर्बुलेंस जो क्रिएट हुआ होगा, वो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जितना बढ़ा पाया उस हिसाब से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा है, और रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा तो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट वॉल पे ज़्यादा है। वो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा है वॉल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, वॉल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक लेना है, प्लेन लेना है, प्लेन लेंगे हम वाई और एक्स पे, एक्स वाई पे प्लेन लिया हमने, बाकी सब हाइट कर देते हैं। ये प्लेन है, इस प्लेन को हम रेंडर करेंगे वेरिएबल से और यहाँ पे लेंगे हम बाउंड्री सेंसिटिव वॉल हीट फ्लक्स। तो हमने इसको टेम्परेचर से लोकलाइज कर दिया, यहाँ से देख सकते हो आप ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा है, रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा है तो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ज़्यादा हो जाता है, इनका रिलेशन है, आप बेसिक पेपर्स में पढ़ सकते हैं। तो अगर हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ज़्यादा हुआ है इसीलिए जो वॉल्स हैं यहाँ पे, ये जो आपको ग्रीन सरफेस दिख रही है, ये इस पे, ये है हमारी जो पाइप की वॉल है थिकनेस 2 mm जो हमने दी थी, यहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हुआ है कंपैरेटिवली किसके, इस साइज इस पोर्शन के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था हीट कॉन्जुगेट हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस। आगे चल के हम डिफरेंट टाइप्स को एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio.